हाँ आम राहुल, गाइस खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई ने बहुत बड़ा अपडेट किया है सिलेबस को लेकर के। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश निशंक पोखरियाल जी, वो पूरे देश भर से जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनसे सीबीएसई के सिलेबस में 9, 10, 12 तक के सिलेबस में कितने परसेंट की जो रिडक्शन है वो किया जाए, उसके लिए उन्होंने सुझाव मांगा था। और फाइनली सीबीएसई ने अनाउंस किया है, एचआरडी मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 30% क्लास 9 से 12 में 30% सिलेबस को कम किया जाएगा, जो कि आगे सेशन के लिए होगा 2020-21 के लिए। क्लास 9 से 12 में कितने परसेंट का रिडक्शन हो रहा है, 30% का, एक तिहाई करीब रिडक्शन किया जाएगा सिलेबस में, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से करीब 3-4 मंथ से जो पढ़ाई हमारी क्या है, डिस्टर्ब है, स्टडी बाधित है, और उसको लेकर के स्कूलें बंद है, तो आने वाले दिनों में किस तरह की प्लानिंग की जाए। और सिलेबस को लेकर के बहुत लंबे समय से बात चल रहा था एचआरडी मिनिस्ट्री में, और जैसा कि सीबीएसई को और एनसीईआरटी को ये चीजों को बोला गया था कि आप जो मेन पॉइंट्स हैं वो देख करके किन चीजों को हटाने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स पे, और उन चीजों को हटा करके फाइनली एनसीईआरटी और सीबीएसई ले मिल करके सिलेबस को 30% रिड्यूस किया है। गाइस ये तो था 9 से 12 का जो 30% सिलेबस जो रिडक्शन होने जा रहा है। अब बात रही कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो ये सीबीएसई ने स्कूलों के ऊपर छोड़ा है, स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ा है कि आप अपने अनुसार जो आपका सिलेबस है आप कितने ज्यादा से ज्यादा उसको कर सकते हैं, तो आप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेंगे। जो स्कूल के मैनेजमेंट होंगे वो बिलो 8, मतलब 8 क्लास से जो नीचे है, 8 क्लास तक का जो सिलेबस है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि कितना उसमें रिडक्शन किया जाएगा। और क्लास 9 से 12 का मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि सीबीएसई ने उसमें 30% का रिडक्शन किया था, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है और ये क्लियर हो चुका है कि अब सिलेबस जो कितना होने कम जा रहा है, 30% कम होने जा रहा है, 30% रिडक्शन होगा सिलेबस का। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा अपडेट था, मैंने आपको बताया, और प्रीवियस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नहीं 30 से 40% रिडक्शन होगा, तो फाइनली 30% रिडक्शन होगा, क्योंकि कम से कम ही किया जाए, क्योंकि ज्यादा सिलेबस रिडक्शन करने से भी क्या होगा, इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो गाइज ये बहुत बड़ा, ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए, सीबीएसई से रिलेटेड न्यूज जानने के लिए, बहुत सारे एजुकेशनल चैप्टर्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।